हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस रुटिया इन्फॉर्मेटिक्स ना वी विल प्रोसीड विद ए न्यू टॉपिक ए न्यू यूनिट ए न्यू कोर्स दैट इज ई टू इसका कोर्स टाइटल है इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स टू एटीन सेंचुरी आज हम इस कोर्स के सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे सिलेबस और पैटर्न के बाद हम इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले ई एच आई टू को जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है इसका सबसे पहले हम पैटर्न को स्टडी करेंगे किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा इसका तो सबसे पहले ये पूरा कोर्स जो है ये तीन सेक्शन में डिवाइड है सबसे फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन वन जो है वो टोटल फोर्टी मार्क्स की है तो यू हैव गिवन टोटल फोर क्वेश्चनस एंड यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली टू क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी इज़ ट्वेंटी मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट ऑफ ईच आंसर इज़ फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो यानी कि जो सेक्शन वन है इसका टोटल मार्क्स फोर्टी है और टोटल तो 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 जो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन वन में वो चार आएंगे और फोर क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन जो हैं आपने अटम्प्ट करने हैं और हर एक जो आंसर है वो ट्वेंटी मार्क्स का होगा और जो वर्ड लिमिट रहेगी सेक्शन वन के आंसर्स की वो फाइव हंड्रेड वर्ड लिमिट रहेगी इसी तरह से सेक्शन सेकंड जो है या सेक्शन बी जो है वो 48 मार्क्स की है और 48 मार्क्स में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपको एट दिए जाएंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस फोर क्वेश्चन की होंगी एंड यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली फोर क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज ट्वेल्व मार्क्स और हर एक क्वेश्चन जो है उसका बारह नंबर का आंसर होगा और दूसरा जो वर्ड लिमिट है वो है दो सौ पचास वर्ड टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स लिमिट जो है इस इनके आंसर्स की रहेगी इसी तरह से जो सेक्शन थर्ड है सेक्शन थर्ड जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप ये टोटल जो है बारह मार्क्स के होंगे टोटल क्वेश्चन जो है चार दिए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑनली टू क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी सिक्स मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट ऑफ ईच आंसर इज हंड्रेड वर्ड्स तो यानी कि टोटल जो वर्ड लिमिट रहेगी इन आंसर्स की वो हंड्रेड वर्ड्स रहेगी तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न था ई एच आई टू का कि किस तरह का एग्जामिनेशन एग्ज़ाम exam में किस तरह का क्वेश्चन आएगा किस तरह का पैटर्न आएगा तो ये हमने उसमें डिस्कस किया अब जो ई एच आई टू है इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एट ब्लॉक्स में डिवाइड है एट ब्लॉक्स को आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें थर्टी फाइव यूनिट्स हैं तो ये थर्टी फाइव यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स हैं अभी उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे सबसे पहला आता है ब्लॉक वन ब्लॉक वन है इन्वामेंट एंड अर्ली पैटर्न ऑफ एडेप्टन यानी कि ये इस ब्लॉक का टाइटल है अब इसके अंदर जो यूनिट है पहला है इंडिया फिजिकल फीचर्स दूसरा यूनिट जो रहेगा वो रहेगा रीजन्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर्मेशन एंड करेक्टरसिक्स इसी के साथ जो तीसरा यूनिट है वो है हंटर्स हंटर्स एंड गैदर्स तो इसमें आएगा आर्कियोलॉजिकल परस्पेक्टिवस इसी तरह से यूनिट फोर्थ जो है वह है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि ये ब्लॉक वन के अंदर यूनिट्स हैं इसके अलावा ब्लाक टू जो है दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो यूनिट है जैसे यूनिट फिफ्थ है वह है एंटीसीडेंट्स क्रोनोलॉजी एंड जोग्राफिकल स्प्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्रोनोलॉजी या जोग्राफिकल स्प्रेड किस तरह का था वो बताएंगे इसी तरह से यूनिट सिक्स में आ गया मटेरियल करेक्टरसिक्स कि कौन सी मटेरियल थे उस समय के हरपन सिविलाइजेशन के वो इसमें से डिस्कस करेंगे इसी तरह से यूनिट सेवन्थ है वो है नेचर ऑफ कंटैक्ट्स जो नेचर ऑफ कंटेक्ट्स किस तरह का था हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा यूनिट एट्थ जो है वह है सोसाइटी एंड रिलीजन तो सोसाइटी किस किस तरह की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर रिलीजन किस तरह के थे इसी तरह से यूनिट नाइन्थ जो है वह है डिफ्यूज़न एंड डिक्लाइन तो किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल आया किस तरह से डिफ्यूज़ हुआ तो इस तरह से ये ब्लॉक टू था इसी तरह से ब्लॉक थ्री जो है वह है इवोल्यूशन ऑफ अर्ली इंडियन सिटीज़ इंडियन सोसाइटी 2000 थाउजेंड बी सी टू वन तो यानी कि ये पूरा इवोल्यूशन बताना है कि अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ का 2000 थाउजेंड से लेके 1000 थाउजेंड तक उसमें जो यूनिट टेंथ रहेगा वो रहेगा कैलोथलिक एंड अर्ली आयरन मैन आयरन एज तो आयरन एज जो पहली आयरन एज थी वो किस तरह की थी फिर उसके दूसरा पार्ट जो है यूनिट सेवन्थ का वो है यूनिट एलेवेंथ का वो है कैलकोलिथिक एंड अर्ली आयरन एज सेकेंड इसी तरह से यूनिट ट्वेल्थ जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी आएगी और यूनिट थर्टीन जो है चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज तो यानी कि जो वैदिक पीरियड था अर्ली आयरन से लेके जो वैदिक पीरियड था वो सारा इनमें हम कवर करेंगे इसी तरह से जो ब्लॉक फोर है वो है इंडिया सिक्सटीन टू फोर्टीन सेंचुरी बी कि इंडिया का सिक्सटीन से लेके फोर्टीन सॉरी फोर्थ सेंचुरी बी तक क्या बैकग्राउंड था तो इसमें यूनिट फोर्टीनथ जो आएगा वो जनपद और महाजनपद तो ये किस तरह से थे यूनिट फिफ्टींथ में आएगा राइज ऑफ अर्बन सिटीज़ उस समय अर्बन सिटीज़ किस तरह से डेवलप हुए यूनिट सिक्सटीन है सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऐसे ही यूनिट सेवनटीन है बुद्धिज़्म जैनिज़्म एंड अदर रिलीजियस आइडियाज़ तो ये सारा सिक्स सेंचुरी से सेवन फोर्थ सेंचुरी तक जो भी हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रही हैं वो सारी इस टॉपिक में इस ब्लॉक में हम स्टडी करेंगे इसके अलावा जो ब्लॉक फाइव है ब्लॉक फाइव है पॉलिटी सोसाइटी एंड इकोनॉमी यानी कि 320 हंड्रेड से लेकर 200 हंड्रेड तक जो इंडियन हिस्ट्री थी वो इसमें आएगी जैसे यूनिट एटीनथ आएगा मगध टेरिटोरियल एक्सपेंशन कि मगध का किस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन रहा इसी तरह से यूनिट नाइनटीन इकॉनमी ऑफ द मौरियन एम्पायर मोरियन एम्पायर की इकॉनमी किस तरह की थी इसी तरह से ट्वेंटियथ यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद अदर पावर्स तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे और उनका रिलेशन जो है बाकी पावर्स के साथ किस तरह का था इसी तरह से ट्वेंटी फर्स्ट यूनिट जो है अशोका पॉलिसी ऑफ धमा तो अशोका पॉलिसी क्या थी धमा को लेके इसी तरह से ट्वेंटी सेकेंड यूनिट था डिसंटिग्रेशन ऑफ अम्पायर तो ये पूरी अम्पायर जो थी मगध की अशोका की वो किस तरह से जो है डिसइंटीग्रेट हो गई बिखर गई इसी तरह से ब्लॉक सिक्स जो है वो इंडियन आ, इंडिया सेंचुरी टू हंड्रड बी सी टू थ्री हंड्रेड ए डी तो टू हंड्रड बी सी से लेकर टू हंड्रड एडी तक जो आ, इंडियन हिस्ट्री थी वो कैसी थी तो यूनिट ट्वेंटी थ्री में हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया तो हम इसमें पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नार्दर्न इंडिया के बारे में इसी तरह से ट्वेंटी फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन तो किस तरह से ट्रेड और अर्बनाइजेशन जो है हिंदुस्तान में हुआ तो वो इसमें स्टडी करेंगे दूसरा आता है ट्वेंटी फिफ्थ यूनिट में आएगा डेवलपमेंट इन रिलीजन कि रिलीजन किस तरह से डेवलप हुए धर्म किस तरह से डेवलप हुए इस पीरियड के दौरान तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे इसी तरह से यूनिट ट्वेंटी सिक्स जो है आर्ट एंड आर्किटेक्ट कि उस तरह का जो आर्ट आर्ट था और आर्किटेक्ट था वो किस तरह का था इसी तरह से जो ब्लॉक सेवन है वो है स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया में 200 हंड्रेड बी सी से लेकर थ्री हंड्रेड ए तक यानी कि पहले हमने बात की नॉर्थ इंडिया की अभी आ गया साउथ इंडिया तो ट्वेंटी सेवन्थ यूनिट है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन डक्कन तो डक्कन के एरिया में किस तरह से स्टेट की फॉर्मेशन्स हुई इसी तरह से ट्वेंटी यूनिट है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु तो किस तरह से तमिलनाडु के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर जो अर्ली स्टेट की फॉर्मेशन हुई इसी तरह से यूनिट ट्वेंटी नाइन्थ जो है अग्रेरियन सेटलमेंट एंड अग्रेरियन सोसाइटी इन पेनिसलर इंडिया जो एग्रीकल्चर जो सोसाइटी थी पेंसुलर इंडिया में या दक्षिण भारत में वो किस तरह की थी वो इसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे ही यूनिट थर्टी है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स तो उस समय जो है ट्रेड और अर्बन सेंटर्स किस तरह से डेवलप हुए वो पढ़ेंगे इसके अलावा यूनिट थर्टी वन में ग्रोथ ऑफ तमिल लैंग्वेज तो तमिल लैंग्वेज और तमिल लिटरेचर जो है वो किस तरह से डिवेल्प हुआ वो सारा हम इस ब्लॉक सेवन में स्टडी करेंगे इसी तरह से ब्लॉक एट जो है वो है इंडियन पॉलिटी यानी कि 300 से लेके 800 एडी हंड्रेड तक जो सेंचुरी 300 हंड्रेड ए डी से लेके 800 से हंड्रेड तक जो इंडियन पॉलिटी थी वो किस तरह से तो यूनिट थर्टी टू में आएगा राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता तो जो गुप्ता एम्पायर थी उसका राइज़ किस तरह से हुआ उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई इसी तरह से यूनिट थर्टी थ्री में आएगा इकोनमी सोसाइटी एंड पॉलिटी इन गुप्ता पीरियड्स तो गुप्ता पीरियड के अंदर किस तरह की इकोनॉमिक व्यवस्था थी किस तरह से सोसाइटी थी किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम था वो हम इसमें स्टडी करेंगे इसी के अलावा ट्वेंटी थर्टी फोर्थ यूनिट जो है पोस्ट गुप्ता किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया कि गुप्ता पीरियड के बाद जो नॉर्थ इंडिया की क्या पोजिशन थी वो स्टडी करेंगे इसके अलावा जो लास्ट यूनिट होगा वो होगा किंगडम्स इन द डक्कन एंड द साउथ कि दक्कन में या साउथ में किस तरह की किंगडम्स थी कौन कौन सी किंगडम्स थी तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस अब इस ई एच आई टू के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे अब उनके बारे में हम बात करेंगे अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम बार आते हैं तो वो कौन से क्वेश्चन हैं सबसे क्वेश्चन नंबर वन पहला आता है गिव एन अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रीजन इन अर्ली इंडिया कि अर्ली इंडिया में हमारे जो रीजन से एरियाज से उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई इसके अलावा जो क्वेश्चन टू है वह है एग्जामिन वेरियस थ्योरीज द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल आया या वो डिक्लाइन हुआ तो उसके कंसर्निंग जो है कौन कौन सी थ्यूरीज थी कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुई इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वट वर मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी एंड एक इन द प्रजेंट बिटवीन सिक्स सेंचुरी बी सी टू फोर्थ सेंचुरी बी सी जैसे ये पूरा यूनिट था एक कि मेन फीचर्स क्या थे उस सोसाइटीज़ के या उस वहाँ की इकोनॉमी के सिक्स सेंचुरी से लेके फोर्थ सेंचुरी बी सी में इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द नेचर ऑफ अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ इंडिया कि साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु के अंदर किस तरह से जो है स्टेट की फॉर्मेशनस हुई इसी के अलावा जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमी अंडर गुप्ता पीरियड कि जो गुप्ता पीरियड था उसके अंदर स्टेट जो उसकी इकोनॉमी जो थी वो किस तरह की थी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द फैक्टर्स विच लेड टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ मोरियन अम्पायर मोरियन अम्पायर किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुई उसका डाउनफॉल किया हुआ कैसे हुआ उसके क्या फैक्टर्स रहे हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो है असेस द मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन इन द अर्ली वैदिक पीरियड जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें सोसाइटी और रिलीजन जो थे उनके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी या क्या मेन फीचर्स थे ऐसे ही एर्थ क्वेश्चन है राइट एंड एस ऑन द गंधरवा एंड मथुरा आर्ट तो गंधरवा गंधर्वा और मथुरा आर्ट में क्या विशेषताएं थी क्या फीचर्स है क्या करैक्टरिस्टिक्स थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है ब्रीफली एक्सप्लेन द इमरजेंस एंड टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म तो बुद्ध बुद्धिज़्म धर्म जो है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ और उसकी टीचिंग क्या थी उसकी शिक्षाएं क्या थी वो हम इसमें स्टडी करेंगे इसके अलावा क्वेश्चन नंबर टेंथ में हम बताएंगे डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका पॉलिसी ऑफ धमा धमा को लेके अशोका की क्या पॉलिसीज थी वो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है इसके अलावा जो इलेवंथ क्वेश्चन है द एग्जाम द करेक्ट्रिस्टिक्स फीचर्स ऑफ संगम लिटरेचर जो संगम लिटरेचर था उसकी मेन विशेषताएं क्या थी इसके अलावा जो ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिस्कस द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड टीचिंग ऑफ महावीर तो जैन धर्म का किस तरह से ओरिजिन हुआ उस समय और उसकी क्या टीचिंग थी महावीर की क्या टीचिंग थी क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू इन द मॉरन एम्पायर मॉरियन एम्पायर में लैंड सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह का था या एग्रीकल्चर किस तरह की थी उसका मेन फीचर्स हमने इसमें डिस्कस करना है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ जो रहेगा वो राइट एंड एस ऑन द सिटीज ऑफ सिक्सथ सेंचुरी बी सी इन इंडिया कि सिक्स सेंचुरी बी सी में सिटीज़ या अर्बन एरियाज किस तरह से डेवलप हुए तो उसके बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो है वह है डिस्कस द नेचर ऑफ पैलियोलिथिक एंड मिसोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया तो पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक कल्चर जो है इंडिया के अंदर किस तरह से उनकी नेचर थी ये इसमें हम डिस्कस हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ई एच आई टू ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ई एच आई टू के तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि पैटर्न किस तरह का है ई एच आई टू का इसके अलावा हमने डिस्कस किया उसका सिलेबस क्या है इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ई एच आई टू में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरह से ये हमारा पूरा टॉपिक कम कवर हुआ थैंक यू थैंक यू वेरी मच इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले ताकि इग्नो की आगे जो भी अपडेशन होगी या अगले जो भी वीडियोस होंगे वो आपको उनकी नोटिफिकेशन जो हैं वो ईज़िली असेस हो जाएगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच